सुशीलास किचन में आज हम आमले का खट्टा मीठा अचार बनाने वाले हैं, गुड़ वाला अचार। आइए हम बनाते हैं। ये देखिए, उबले हुए आमले के ये मैंने पीसेस कर लिए हैं। इनको थोड़ा सा दो चार घंटे हवा लगाई हुई है। लगभग एक किलो आमले के पीस है ये। इसे हम बनाते हैं। आमले को हम तिल के तेल में, लगभग 100 ग्राम तेल इसमें लगता है, और 100 ग्राम तिल के तेल में हमने आमले डाल दिए हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे वही मेथी, लगभग ये देखिए लगभग 3 चम्मच मेथी डाल दी, और लगभग 3 चम्मच सौंफ। 1 किलो आमले में 3 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच मेथी, और थोड़ी सी अजवाइन, लगभग आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून फुल भरी हुई, ये इतना सारा डाल देंगे, फुल भरी हुई नमक, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, और आधा चम्मच हल्दी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे, और इसमें लगभग 200 से 250 ग्राम गुड़ है। ये गुड़ को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। ये देखिए, ये मेल्ट किया हुआ गुड़ हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा गुड़। ये देखिए पिघल जाएगा, इसमें गुड़ का पानी बन जाएगा। ये देखिए सारा गुड़ हमने इसमें डाल दिया, और गैस को हम बंद कर देंगे। गैस को बंद करके और फिर अच्छी तरह से इसको, गुड़ को इसमें अचार में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा अचार है ये काफी दिन खराब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे भी फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए बाहर, लेकिन ये खराब नहीं होता है। नमक इसमें हल्का सा तेज रख लो तो और भी अच्छी बात है। इसमें हम नमक थोड़ा सा तेज चाहें तो रख सकते हैं। वैसे कोई तीखा ज़्यादा खाता है, आप चाहें तो इसमें तेज मिर्च रख ले, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हम लोग काली मिर्च अचार में कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाली। वैसे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपके गेस्ट को भी अच्छा लगेगा। सर्दी का मेवा है, हर तरह के पराठों के साथ अच्छा लगेगा, बच्चों के टिफिन में भी ये बहुत अच्छा रहता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए आंवले का खट्टा मीठा अचार। थैंक यू।